चलो आपने तो सोच लिया, आगे बैठता हूँ। शुरू करें। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ये हमारे पास रिंग है, इसका मास dm, इसका रेडियस r, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना है, रिंग का क्या होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। इसके ऊपर एक और रिंग रख दी, उसके ऊपर एक और रिंग रखते गए, क्या मिला हमको, हॉलो सिलेंडर, सबका मास dm 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 एंड सो ऑन, यहां तक हमारे पास सबका मास dm है, बताओ ना, इस पूरे का मास हमारे पास हो गया m और इसका रेडियस हो गया r, ये रही हमारे पास एक्सिस, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर ऑफ मास इसका ए बी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, अरे बता दो प्रेजेंटेशन, हाँ ना आया नहीं ना पॉइंटर, पॉइंटर इसमें सेकंड में थर्ड पे देखा ये, हाँ जी क्लियर है, अरे बता दो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ये हमने रखी क्या डिस्क, मास डीएम रेडियस आर, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ मास कितना था डीएम इनटू रेडियस का स्क्वायर, इसके ऊपर एक और रख दी, उसके ऊपर एक और रख दी, तो हमको क्या मिला सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में हम ये भर देते हैं, सॉलिड लग रहा है, सेंटर ऑफ मास ये रहा, कोई एक एक्सिस ये भी ए बी, आई ए बी हमारे पास क्या हो गया हाफ एम आर स्क्वायर का इंटीग्रल, हाफ और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डीएम का इंटीग्रल है इज हाफ एम इंटू आर स्क्वायर, क्लियर है पक्का, विदाउट डेरिवेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आई, इसकी अगर ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ये रहा, चार डिंपल बना देंगे, सॉलिड स्फीयर बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड और अलोंग द डायमीटर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसे ही लर्न कर लो इसको, क्लियर है, ठीक है, बता दो क्लियर है पक्का, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी ये जो नए बच्चे हैं इनको अभी कम समझ में आएगा, ग्रेविटेशन से समझ में आएगा एक्चुअली, ठीक है, नाउ हमने क्या कहा था एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dv, अगर हमारे सिस्टम में दो बॉडीज हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज टॉर्क ऑन द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम, अगर एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम कैसी है जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर, अगर दो बॉडीज हैं तो एक का एंगुलर मोमेंटम प्लस दूसरे का एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, एन बॉडीज हैं तो एल थ्री एंड सो ऑन विल रिमेन अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की दो वैल्यूज हैं या तो जीरो या फाइव, याद है पक्का, या फाइव कोई वैल्यू हो सकती है या जीरो हो सकता है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, नाउ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या था आई इंटू ओमेगा, याद आ रहा है एल इक्वल टू आई ओमेगा, याद नहीं आ रहा,
हाँ जी, लीनियर मोमेंटम वॉज मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, ये क्या था मास, मास की जगह क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है लीनियर मोमेंटम, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सिमिलर है हाँ ना। तो एल इक्वल टू आई ओमेगा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। करके देखते हैं एग्जाम्पल वन आंसर, देखो जी अभी ये हमारे पास एक डांसर है, इसने हाथ ऐसे रखे हुए, मान लो इसके हाथ का मास स्मॉल एम है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है या कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पहले वाली वेलोसिटी है तो ओमेगा इनिशियल कह सकते हैं या ओमेगा वन कह सकते हैं, ठीक है जी, हाँ ना, ठीक है। नाउ अगर ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, अरे बता दो, प्लस ये वाला मास इनटू ये वाला डिस्टेंस का होल स्क्वायर इज 2m इनटू r स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल, क्लियर है, और इनिशियल ओमेगा कितना है ओमेगा इनिशियल। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था आई ओमेगा, इसका मतलब आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, हा ना, यस बता दो, करा था कभी ऐसे पक्का। अच्छा देखो इसका मतलब अगर ये डांसर जो है अपने हाथ को पास में ले आती है, क्या कर रहा है डांसर पास, अपने हाथ को पास में ला रहा है, ये रहा डांसर, ऐसे हाथ पास में आ गए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ कम या ज्यादा, ये आर डिस्टेंस कम हो गया, ये आर वाला डिस्टेंस, ये आर कैसे बनाते हैं, ये वाला आर ऐसा वाला आर बना देते हैं चिड़िया वाला, ये वाला ये आर ऐसा बना देते हैं, ठीक है, ये वाला आर ऐसा बना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया टू एम इंटू ये वाला आर का होल स्क्वायर, ये वाला आर कम है पक्का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसको बोला हमने आई फाइव, तो ये क्या करेगा और तेज एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लग जाएगा, क्यों एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज एंगुलर मोमेंटम फाइनल, इनिशियल क्या था एंगुलर मोमेंटम क्या था आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या था आई ओमेगा, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल, अगर आई फाइनल कम हो गया तो ओमेगा फाइनल ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है, और तेज ये रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एक एग्जांपल, एग्जांपल टू, ये बिल्ली कूद, ये ऊपर से यहां कूद, देखिए बिल्ली, जब ये कूदने से पहले पैर ऐसे रखती है, कूदने पे खोल देती है, फिर घर सीधे बैठो सीधे, ये आपकी स्कूल के दोस्तों वाली क्लास है, हाँ ऐसे करके कूदते हो आप, कैसे कूदोगे पहले थोड़ा, पहले यूं करेगी फिर ऐसे कूदेगी पक्का, ये कूद रही है, ये जा रही है ऐसे, इसका मोमेंटम था कुछ भी, ये रहा आर, कुछ एंगुलर मोमेंटम है हाँ ना, जब ये कूदने वाली होगी या पहुंचने वाली होगी तो हाथ और पैर को ऐसे कर लेगी, हाँ है ना, तो अगर मासेस दूर हो गए हाथ पैर के, मास दूर हो गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ओमेगा कम, तो ये रोल नहीं करेगी, लुढ़केगी नहीं, चलती बस से कूदे हो, चलती साइकिल से कूदे हो, लगता है कि गिरे, गिरते नहीं है, वो आपका लक है, लगता है कि गिरे, ठीक है, तो ये आई ज्यादा हो जाएगा और ओमेगा कम, क्लियर है, बता दो जी, यस, एग्जांपल थ्री,
ये है स्टेज, पहले डांसर का स्टेज। अब बैले डांसिंग में यहां से आता है एक डांसर यूं करके होता है और यहां पे बहुत तेज घूमने लग जाता है। यस सर, देखा ये रेडियस ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो ओमेगा कम, ठीक है, ये रेडियस कम तो आई कम तो ओमेगा ज्यादा, और हमको लगता है जादू हो रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल फोर, ये रहा हमारे पास सन और ये रहा हमारे पास प्लैनेट है, ठीक है जी, ये रहा रेडियस वेक्टर। जब हमारे पास प्लैनेट सन के पास में आता है तो तेज चलने लग जाता है यहां पे। कैसे पता चलेगा देखते हैं। ये रेडियस ज्यादा आई ज्यादा ओमेगा कम, ये रेडियस कम आई कम ओमेगा ज्यादा तेज घूमने लग जाएगा। अभी देखेंगे फिर से कैपलर्स लॉ का रहता है। क्लियर है? यस बताओ जी। यस पक्का? ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और अगर स्पेस में एग्जांपल फाइव स्पेस का रॉकेट है, स्पेस का रॉकेट है सीधा जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम कितना है जीरो। एंगुलर मोमेंटम जब भी तो होगा तो घूमेगा, अगर सीधा जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, लीनियर मोमेंटम है ना जीरो। अब रॉकेट को घूमना है राइट, हा ना, राइट मतलब नहीं, अगर इसको राइट घूमना है तो क्लॉकवाइज घूमना है एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, क्लॉकवाइज मतलब ये कैसे घूमना है इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉकेट कैसा होना चाहिए नेगेटिव। पक्का? तो हमने मान लेते हैं स्टीयरिंग है उसमें, मान रहे स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपने आप क्लॉकवाइज ये घूम जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा है लेफ्ट का बताओ ना, राइट में जाएगा। जितना ज्यादा हम इसको ऐसे घुमाएंगे उतना ही ज्यादा ये घूम जाएगा। क्लियर है जी? बता दो।